राइस हिस्पा बीटल, जिसको हम धान का हिस्पा भी कहते हैं। तो इससे एक पॉइंट हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो सिर्फ राइस होता है। जब भी बीटल आ जाता है तो बीटल जो होते हैं वो मेनली ऑर्डर सीलोपिटेरा से बिलोंग करते हैं। सीलोपिटेरा के अंदर होता क्या है कि इनके जो फोर विंग्स होते हैं वो हार्डेंड हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं इलिट्रा। और टेरा का मतलब होता है हमेशा विंग्स और सिलो मतलब कि इलेक्ट्रा। और जब भी हम हेमिपिटेरा की बात करते हैं तो उनको हम हेमी इलेक्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि जो हेमिपिटेरा होते हैं उनके फोर विंग्स सिर्फ बेस से थोड़े बहुत हार्डन होते हैं। तो सिलोपिटेरा जो होते हैं से मेनली ऑर्डर से बीटल्स बिलोंग करते हैं, जबकि हेमिपिटेरा के अंदर ट्रूबर्ग्स आते हैं, लेपिडोपिटेरा के अंदर आते हैं जो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज होती हैं, और ऑर्थोपिटेरा के अंदर ग्रासहॉपर्स आते हैं। तो सिलोपिटेरा से आते ही इसके करेक्टरिस्टिक पता चल जाते हैं कि इलिट्रा एक हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर इलिट्रा यानी कि इनके हार्डेंड विंग केसेस जो होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। देन इसकी जो फैमिली आती है वो आती है क्राइसोमेलेडिया। क्राइसोमेलेडिया जो फैमिली है इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके अंदर फोर टैग सेगमेंटेड टार्साइल या टार्सल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके राइस बीटल के ऊपर आते हैं तो क्या होगी, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर सिलोपिटेरा, फैमिली क्राइसोमेलेटिया। नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं तो ये राइस हिस्पा बीटल है, यानी राइस के ऊपर इसका होस्ट प्लांट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट या फिर इंडिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फूड प्लांट यानी कि राइस के ऊपर ही ये मिलता है। अब जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो इनका बॉडी होती है वो ब्लू ब्लैक कलर की होती है, और उसके ऊपर हमें बहुत क्लियरली ये ब्लैक कलर के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब इसकी जो लेंथ होती है वो 10 mm होती है, यानी क्या होती है, 1 cm होती है। और जनरली इसको हम धान का हिस्पा कहते हैं। हैबिट्स आती है कि मेनली जो क्राइसोमेलेडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं इन बीटल्स को बोलते हैं ग्रास बीटल्स या फिर लीफ बीटल्स, सॉरी। तो लीफ बीटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनली ये लीफ के ऊपर फीड करते हैं। तो इनके अंदर जो अडल्ट होता है वो पैडी की लीफ के ऊपर ही रहता है, जैसे ये यहाँ पे शो भी कर रखा है, ये राइस की लीफ है और इसके ऊपर ये जो अडल्ट है ये इसके ऊपर रहता है, और जो ग्रीन स्क्रैपिंग्स होती हैं लीफ से उनके ऊपर ये फीड करता है। जो ग्रब होता है वो भी फीड करता है लीफ के ऊपर। तो अगर डैमेज की अगर हम बात करते हैं तो डैमेज इज कॉज्ड बाय बोथ द ग्रब एंड द अडल्ट, यहाँ पर डैमेज कॉज करते हैं इसको। फिर इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 20 to 30 days के अंदर कंप्लीट करता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 month के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और लाइफ साइकिल कब होगी, जब धान होगा, यानी जुलाई टू अक्टूबर, यानी मानसून, फर्स्ट मानसून के बाद ही अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले एग जो होते हैं, जो फीमेल बीटल्स होती हैं, अब यहाँ पर मेनली सारी की सारी इनकी लाइफ साइकिल जो होगी वो चलेगी लीव्स के ऊपर, क्योंकि ये क्या करते हैं, लीफ के ऊपर ही ये रहते हैं। तो अपनी इनकी लाइफ साइकिल मोस्टली, क्योंकि ये किसी तरीके के बोरर्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए इनको लीफ बीटल्स भी इसलिए कहा जाता है, इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल अब यहाँ पर लीफ पे ही चलेगी। सबसे पहले जो फीमेल बीटल्स होगी वो सिंगली, जो यंग लीफ होती हैं, यंग लीफ कहाँ होंगी, टिप की तरफ, टिप की तरफ जो यंग लीफ होती हैं उनके टिश्यूज़ के अंदर वो सिंगली एग्स को लेट डाउन करती हैं। जबकि मोस्टली अगर हम पेस्ट वगैरह देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोज़ के अंदर या बंचिस के अंदर एग्स को लेट डाउन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो सिंगली एग्स को यंग टिश्यू या जो टिश्यूज़ होती हैं यंग लीफ जो कि टिप के पास होती हैं उनके अंदर एग्स को लेट डाउन करते हैं। अब सिलोपिटेरा और लेपिडोपिटेरा इन दोनों के करैक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जबकि हेमिपिटेरा और ऑर्थोपिटेरा के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो इनके अंदर होगा क्या, अडल्ट आएगा, अडल्ट से लार्वा, लार्वा को या तो हम कहते हैं कैटरपिलर या ग्रब बोला जाता है बीटल्स बीटल्स के केसेस में। फिर ग्रब जो होगा वो प्यूपेशन अंडरगो करेगा और प्यूपेशन करके अडल्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जब भी कंप्लीट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है तो वहाँ पर निम्फ बनता है जो कि मोल्टिंग अंडरगो करता है। तो ग्रब जो होगा अब लार्वा हैच करेगा, इनक्यूबेशन पीरियड होगा 6 से 10 दिनों के बाद, यानी कि जब उसने लीफ के अंदर फीमेल बीटल ने
एग्स को ले डाउन किया है, उसके 6 से 10 दिनों के बाद वो हैच करते हैं और ग्रब्स बाहर आते हैं। अब ग्रब क्या करते हैं, लीफ टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और जो भी ग्रीन मेटल होता मैटर होता है लीव्स के अंदर उसके ऊपर वो फीड करते हैं। ये स्टेज रहती है 9 से 12 दिनों तक, यानी कि वो एग कितने दिनों में हैच हुआ है, 6 से 10 दिन यानी 1 हफ्ता और उससे 2-3 दिन ऊपर नीचे वो जो एग होता है वो हैच करता है, और ग्रब होता है 10 से 12 दिनों तक वो रहता है, उसकी लाइफ जो होती है 10 से 12 दिनों तक होती है, क्योंकि उसके बाद उसको प्रिपरेशन अंडरगो करना होता है। देन ग्रब जो होता है वो एक बरो बनाता है लीफ के अंदर और उसके अंदर ही वो प्रिपरेशन करता है, वो स्टेज रहती है 7 डेज तक के लिए। उसके बाद जो अडल्ट होता है, अडल्ट 7 दिनों के बाद प्यूपा एमर्ज आउट इन द फॉर्म ऑफ अडल्ट, कि वो अडल्ट के फॉर्म में जो प्यूपा होता है वो बाहर निकलता है और एपिडर्मिस, क्योंकि वो कहाँ प्यूपेशन अंडरगो करा है, लीफ के अंदर बरो के अंदर, तो एपिडर्मिस को पंचर करके जो अडल्ट होता है वो बाहर निकलता है। अगर हम डैमेज की बात करते हैं तो मेन डैमेज कौन कोज कर रहा है, ग्रब कोज कर रहा है और अडल्ट कोज कर रहा है, क्योंकि ग्रब जो होता है जब वो जो एग्स थे जब वो हैच हुए थे तो ग्रब निकला था, ग्रब ने क्या किया था लीफ के अंदर वो पेनिट्रेट कर गए थे, तो वो पेनिट्रेट करता है टिप टू द बेस, क्योंकि वो फिर अंदर का जो ग्रीन मैटर होता है उसके पर फीड करता है। तो मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय द ग्रब एंड द अडल्ट, और अडल्ट भी क्या था, जब वो प्यूपेशन अंडरगो किया था लीफ के अंदर बरो के अंदर, उसके बाद अडल्ट ने एपिडर्मिस को रप्चर करके वो बाहर निकला था, और जो अडल्ट होता है फिर वो ग्रीन स्क्रैपिंग की स्क्रैप करता रहता है ग्रीन मैटर और उसके पर फीड करता है। तो मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय द अडल्ट एंड द ग्रब। उसके बाद आता है कि डैमेज जो होती है लीफ के कारण, तो जो लीफ को जब वो डैमेज कॉज करते हैं तो इसके कारण जो ग्रोथ होती है वो शंटेड रह जाती है, और ग्रोथ शंटेड रह जाती है तो इसके कारण यील्ड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और इसके अंदर एक और करेक्टरिस्टिक फीचर ये हो जाता है कि अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है वेदर द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड बाय द राइस हिस्पा और धान का हिस्पा, तो इसके अंदर जो लीफ होती है उनके ऊपर वाइट कलर की स्ट्रीक्स बन जाती हैं एंड दैट स्ट्रीक्स आर पैरेलल टू द मिडरिब, तो उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ये जो प्लांट है वो हिस्पा आर्मी जीरा से इन्फेक्टेड है। उसके बाद ये वाइट स्ट्रीक्स बन जाती हैं जो कि पैरेलल होती हैं टू द मिडरिब। उसके बाद हमारे पास आती है कि हाउ टू मैनेज देम, तो मैनेजमेंट के अंदर यही होता है कि बीटल्स को मैनुअली कलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको किल कर सकते हैं। उसके बाद BHC का हम स्प्रे कर सकते हैं, BHC क्या होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड वगैरह, और रेजिस्टेंस वेराइटीज़ वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के अंदर हम वास्प वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जो इनके डेवलपिंग स्टेज या अडल्ट के ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरीके से हम हिस्पा जो होता है इसको कंट्रोल या मैनेज हम कर सकते हैं।